गुड मॉर्निंग स्टूडेंट इन टू क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्वस्टू वन अपॉइंट थ्री माइनस वन टू और टू टू माइनस वन और टू 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 और माइनस वन इज ऑर्थोग हमें प्रूव करना है कि गिवन मैट्रिक्स हमारी ऑर्थोगोनल है तो कंडीशन क्या आती है हमारी ऑर्थोगोनल्स की ए इंटू ए डैश इक्वस्टू किसकी होना चाहिए आई की यानी अगर मैं ए की मल्टीप्लाई उसके ट्रांसपोज के साथ करूं तो मुझे आंसर मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा इस गिवन मैट्रिक्स का क्या निकालूंगा ट्रांसपोज तो ए डैश क्या होगा वन अपॉइन्ट थ्री फर्स्ट हो गया है आपकी माइनस वन टू और टू इसको आप फर्स्ट कॉलम बना देंगे माइनस वन टू और टू सेकेंड रो आपकी क्या है टू माइनस वन ओ टू इसको आप सेकेंड कॉलम बना देंगे टू माइनस वन ओ टू थर्ड रो क्या है आपकी टू टू और माइनस वन इसको आप थर्ड कॉलम बना देंगे टू टू और माइनस वन तो रो को आपने कॉलम से इंटरचेंज कर दिया तो ये आपका क्या निकल गया ट्रांसफोर्स अब आप क्या करेंगे ए की मल्टीप्लाई करेंगे आप ए डैश के साथ तो ए की मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या थी वन अपॉन थ्री माइनस वन टू और टू टू माइनस वन और टू 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 और माइनस वन इंटू ए डैश वैल्यू कितनी है वन पॉइंट थ्री माइनस वन टू ओ टू टू माइनस वन ओ टू 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 और माइनस का वन तो सबसे पहले अब क्या करेंगे ये जो स्केलर क्वांटिटी है वन अ पॉइंट थ्री के भी बाहर है वन अ थ्री के बाहर है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी वन पॉइंट थ्री इंटू वन अपॉइंट थ्री वन अंट नाइन तक का बाहर आ गया अब आपको इस मैट्रिक्स की इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करनी है मल्टीप्लाई कैसे होगी रो की किससे होगी कॉलम से रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम का सेकेंड रो का थर्ड कॉलम का थर्ड फिर सिमिलरली फर्स्ट रो का फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम से फिर फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से तो माइनस वन की माइनस वन से करी प्लस वन टू टू जा फोर और टू टू जा फोर फिर माइनस वन की टू से करी माइनस टू टू की माइनस वन से करी माइनस टू और टू टू जा फोर, माइनस वन की टू से करी माइनस टू 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 जा फोर और टू की माइनस वन से करी माइनस टू फिर सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से सेकेंड से, से, रो की सेकेंड कॉलम से सेकेंड रो की थर्ड कॉलम से तो टू की माइनस वन से करी माइनस टू माइनस वन की टू से करी माइनस टू और टू टू जा कितना हो गया आपका फोर टू टू जा फोर माइनस वन की माइनस वन से करी प्लस वन टू टू जा फोर टू की टू से करी फोर माइनस वन की टू से करी माइनस टू और टू की माइनस वन से करी माइनस टू फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम तो टू की माइनस वन से करी माइनस टू 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 जा फोर माइनस वन की टू से करी माइनस का टू 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 जा फोर टू की माइनस वन से करी माइनस टू माइनस वन की टू से करी माइनस का टू फिर टू टू जा फोर माइनस वन की माइनस वन से करी प्लस का वन हो गया अब इस मैट्रिक्स को आप सॉल्व कर लीजिए फोर प्लस फोर प्लस वन यानी कितना हो गया नाइन माइनस टू माइनस टू माइनस फोर माइनस फोर प्लस फोर कितना हो गया जीरो माइनस टू माइनस टू माइनस फोर माइनस प्लस फोर कितना हो गया जीरो माइनस टू माइनस टू माइनस फोर माइनस फोर प्लस फोर कितना हो गया आपका जीरो फोर ओ फोर एट एट ऑर वन कितना जीरो माइनस टू प्लस फोर प्लस टू टू आपका कितना हो गया आपका नाइन तो बाहर आपका नाइन डिवाइड में था नाइन ऑफ नाइन कितना हो गया आपका वन जीरो नाइन जीरो 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 वन जीरो 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 वन यानी आपको क्या मिल गया ए इंटू ए डैश किसके आ गया आपके आई के तो यानी यस गिवन मैट्रिक्स और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रूव डेट ए एक टू वन वन माइनस आई टू वन प्लस आई थ्री आई माइनस टू माइनस आई इज जीरो इज हर क्या कंडीशन थी हर मिटेन की एफ ए थीटा के अगर होता था तो आपका मैट्रिक्स क्या कहलाती थी हर वेयर वेर थीटा की वैल्यू क्या होती है थीटा किसके इक्वल होता है ए बार के डैश के यानी सबसे आप कॉन्जुगेट निकालेंगे ए बार निकालेंगे फिर आप उसका क्या कर देंगे डैश डैश यानी उसका क्या कर देंगे ट्रांसपोर्ट तो सबसे पहले हम इसका ए कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं तो वन का वन का कॉन्जुगेट कितना होगा वन कॉन्जुगेट कितना होगा वन प्लस आपको साइन चेंज कर प्लस आई और जीरो कॉन्जुगेट कितना होगा, होगा? होगा? वा होगा? जीरो अब आप क्या कर दीजिए इस ए बार का क्या कर दीजिए ट्रांसपोज ट्रांसपोज में आप क्या बना देंगे कॉलम तो वन वन प्लस आई और टू वन माइनस आई थ्री और माइनस आई टू आई और जीरो तो ये किसके एक आ गया ये वापस एक एक वाला आ गया है आप कंपेयर कर लीजिए जो आपकी ए की वैल्यू थी वही आदि आपकी ए बार ए बार डैश की वैल्यू यानी आपका एस्टू किसके हो गया ए बार डैश के यानी वस्तु किसके हो गया ए सो so, ये आपके मैट्रिक्स क्या हो गया आपकी हंड हो गई क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपको प्रूफ करना है एक वस्तु आई थ्री प्लस टू आई माइनस टू माइनस आई माइनस थ्री प्लस टू आई जीरो थ्री माइनस फोर आई टू माइनस आई माइनस थ्री माइनस फोर आई और माइनस टू आई इस स्क्योर मीटर आपको प्रूफ करना है कि ये मैट्रिक्स आपकी स्क्योर मीटर है स्क्योर मीटर की कंडीशन क्या होती है एक वस्तु ए बार ए डैश माइनस यानी आपका ए कोस टू होता है माइनस ए टीटा यानी आपको ए थीटा निकालना है और उसका और उसकी कंपेयर ए के साथ कर देनी है आपके सारे साइन अपोजिट आएंगे तो सबसे पहले आप ए बार निकालेंगे ए बार के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आई के सारे साइन चेंज कर दो प्लस का आई है तो किसका हो गया ये माइनस का आई थ्री प्लस टू आई का कॉन्जुकेट कितना हो गया थ्री माइनस टू आई माइनस टू माइनस आई का कॉन्जुकेट कितना हो गया माइनस टू प्लस आई माइनस थ्री प्लस टू आई का कॉन्जुकेट कितना हो गया माइनस थ्री प्लस का माइनस थ्री माइनस का टू आई जीरो का कॉन्जुगेट कितना हो गया जीरो थ्री माइनस कॉन्स माइनस फोर आई का कॉन्जुगेट थ्री प्लस फोर आई टू माइनस आई का कॉन्जुगेट टू प्लस आई माइनस थ्री माइनस फोर आई का कॉन्जुगेट माइनस थ्री प्लस फोर आई केवल आपको आई के साइन चेंज करना है रियल फॉल्टाप का को कोई कंसीडर नहीं करना है और माइनस टू आई का कॉन्जुगेट कितना हो गया प्लस का टू आई अब आप क्या करिए ए बार का डैश निकाल लीजिए डैश यानी इसका क्या कर दीजिए अब आप इसका ट्रांसपोर्ट जो आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट वो आपकी क्या बन जाएगी फर्स्ट कॉलर माइनस आई थ्री माइनस टू आई माइनस टू प्लस आई ये माइनस थ्री माइनस टू आई था ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री माइनस टू आई जीरो थ्री प्लस फोर आई टू प्लस आई माइनस थ्री प्लस फोर आई और ये कितना हो गया आपका टू आई इसे अगर आप चेक करें माइनस एक एक वाला रहा है यानी मैट्रिक्स आपकी क्या हो गई इसकी और कर चेक करिए भाई उसका फर्स्ट एलिमेंट कितना था आई इसका फर्स्ट एलिमेंट कितना है माइनस आई उसका सेकंड एलिमेंट कितना है थ्री प्लस टू आई यानी इसके अंदर माइनस की मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप तो माइनस का थ्री माइनस का टू आई हो जाएगा और यहां भी कितना है माइनस का थ्री माइनस का टू आई यानी अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लें ले एटा में से तो आपको पूरी की पूरी मैट्रिक्स से वापस मिल जाएगी ए मिल जाएगी ये माइनस का टू माइनस का आई है तो ये प्लस का टू प्लस का आई होगा यहाँ माइनस थ्री प्लस टू आई है तो यहाँ थ्री माइनस टू आई होगा और जीरो है तो जीरो रहा थ्री माइनस फोर आई है तो माइनस का थ्री प्लस का फोर आई हो गया टू माइनस आई था यहाँ पे तो यहाँ पर आएगा माइनस का टू प्लस का ई माइनस थ्री माइनस फोर आई था तो प्लस का थ्री प्लस का फोर आएगा और वो माइनस टू आई था तो यहाँ प्लस का टू आ जाएगा यानी ए के जो साइन है वो थीटा के साइन के बिल्कुल अपोजिट होंगे हर मीटर में तो एक वस्तु एट हीटा होता है और इसकी हर मीटर में एक एक वस्तु माइनस एट हीटा होता है या एट थीटा की वस्तु माइनस का ए होता है तो यानी आपकी मैट्रिक्स क्या हो गई स्क्यू हर मीटियर नेक्स्ट है आपको आपको प्रूव करना है कि एक्स टू वन अपॉन रूट थ्री वन वन प्लस आई वन माइनस आई माइनस आई इज यूनिट आपको प्रूव करना है कि गिवन मैट्रिक्स आपकी यूनिट है यूनिट्री की कंडीशन क्या थी इफ ए इंटू ए टीटा किसके इक्वल हो जाए आई के यानी सबसे पहले आप एटा निकालेंगे और उसकी मल्टीप्लाई ए के साथ कर देंगे अगर आपको वापस आई मिल गया तो मैट्रिक्स आपकी यूनिट्री है अदरवाइज नहीं है तो एटा निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा ए बार ए बार कैसे निकलेगा हमारा स्केलर क्वांटिटी कॉन्जुगेट कितना प्लस आई ए बार का आपने क्या कर दिया ट्रांसपोज तो आपका निकल जाएगा ए तो वन वन माइनस आई वन प्लस आई और ये कितना हो गया आपका आई अब आपको क्या करना है ए की मल्टीप्लाई एट हीटा के साथ करनी है तो ए कितना है वन अपॉन रूट थ्री वन वन प्लस आई वन माइनस आई माइनस आई इंटू एट हीटा यानी वन अपॉन रूट थ्री वन वन माइनस आई वन प्लस आई इंटू आई जब आप ए इंटू एटीटा करेंगे सबसे पहले तो स्केलर की मल्टीप्लाई स्केलर से तो वन अपॉन रूट थ्री अपॉन रूट थ्री से करी कितना आ गया वन अपॉन थ्री गया अगर दोनों नंबर रूट के सेम हो तो रूट कैंसिल हो जाता है तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना हो गया थ्री अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो वन की वन से मल्टीप्लाई करी वन फर्स्ट रो का फर्स्ट फर्स्ट रो का सेकेंड तो कॉलम का सेकंड वन की वन से मल्टीप्लाई करी प्लस वन और आई की माइनस आई से करी कितना हो गया माइनस का आई स्क्वायर आई की आई से करी आपने कितना हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस कितना हो गया माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो वन की वन से करी वन वन की आई से करी प्लस आई और वन प्लस आई की आई से करनी है तो वन की आई से करी वन की वन से करी वन वन की आई से करी आई वन की आई से करी प्लस का आई और आई के आई से करी प्लस का आई स्क्वायर हो गया ठीक है भाई नेक्स्ट आप क्या करेंगे अब आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड रो की आपकी थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी वन वन प्लस आई क्वेश्चन थोड़ा चेंज है ये माइनस आई नहीं है यहाँ पे ये माइनस का वन है और जब ये माइनस का वन होगा जब आप इसका कॉन्जुकेट निकालेंगे तो ये माइनस का वन आपका एज इट इज रहेगा और यहाँ भी आपका माइनस का वन आपका ये एज इट इज रहेगा तो इसका क्या फर्क पड़ेगा ये माइनस का वन हो गया यहाँ भी और यहां भी ये माइनस का वन हो गया तो इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा वन की वन से करी वन वन की आई से करी प्लस आई अब वन की माइनस वन से करोगे माइनस का वन आएगा और आई आए की माइनस वन से करोगे आप तो ये माइनस का आई आए आएगा ठीक है फिर नेक्स्ट स्टेप में बाप आप रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम वन की वन से करीब वन माइनस आई की वन से करीब माइनस का आई माइनस वन की वन से करी माइनस का वन और माइनस वन की माइनस आई से करी प्लस का आई हो गया ठीक है सेकंड रो सेकंड कॉलम वन की वन से करी वन वन की आई से करी कितना हो गया आपका आई माइनस आई की वन से करी माइनस का आई माइनस आई की आई से करी माइनस का आई स्क्वायर हो गया आपका और माइनस वन की माइनस वन तो से, 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 से करी प्लस का वन हो गया बस चेक कर लेते इस वाली को सेकंड रो सेकंड कॉलम तो वन की वन से करेंगे आप वन की वन से करेंगे वन वन की आई से करी आई माइनस आई की वन से करी माइनस आई माइनस आई की आई से करी माइनस का आई स्क्वायर ठीक है और फिर माइनस वन की माइनस वन से करी प्लस का वन हो गया इसे आप सोल्व कर लीजिए तो बाहर सौ वन अपॉन थ्री चल ही रहा है वन और वन कितना हो गया टू और आई स्क्वायर की वैल्यू वन और वन कितना हो गया आपका टू आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस तो थ्री बचेगा यहाँ पे वन माइनस वन जीरो और प्लस आई माइनस आई कितना हो गया जीरो वन माइनस वन वन माइनस वन कितना हो गया जीरो और माइनस आई प्लस आई कितना हो गया आपका जीरो

नेक्स्ट है आपका आपको प्रूफ करना है एक् वस्ट टू वन थ्री फोर थ्री फाइव माइनस वन फोर माइनस वन सीमेट्रिक सिमेट्रिक की कंडीशन क्या आती है इफ एक्व ए ट्रांसपोज के अगर ए की वैल्यू ए ट्रांसपोज के को आ जाए तो मेट्रिक सिमेट्रिक होती है तो इसका ट्रांसपोज करके देख लीजिए फर्स्ट रो क्या है one, three, four, ये फर्स्ट कॉलम बन गया सेकेंड रो क्या है आपकी थ्री फाइव माइनस वन तो आपका फर्स्ट कॉलम बन गया थ्री फाइव माइनस वन फोर माइनस वन जीरो फोर माइनस वन और जीरो आप चेक कर लीजिए ए और ए डैश आपस में इक्वल है जीरो तो मैट्रिक्स आपकी क्या हो गई सिमेट्रिक नेक्स्ट है आपका एक वस टू जीरो माइनस टू और थ्री टू जीरो सेवन माइनस थ्री माइनस सेवन जीरो इज स्क्यू सीमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी एक वज टू माइनस ए डैश के एंड डायगनल टू कितना होना चाहिए जीरो तो सबसे पहले आप इसका ए डैश निकाल लीजिए जब आप इसका ए डैश निकालेंगे तो फर्स्ट रो क्या है जीरो माइनस टू थ्री तो ये आपका फर्स्ट कॉलम बन गया जीरो माइनस टू और थ्री अगले कॉलम टू जीरो सेवन तो आपका कितना आ गया टू जीरो और सेवन लास्ट रो क्या है माइनस थ्री माइनस सेवन जीरो तो ये हो गया माइनस थ्री माइनस सेवन और जीरो अब आप कंपेयर करिए डायंगल के तीनों एलिमेंट कितने आपके जीरो ठीक है और वहां वहां पर कितना था माइनस टू यहां पर कितना है प्लस टू थ्री था माइनस थ्री टू था माइनस टू प्लस सेवन था माइनस सेवन माइनस थ्री था प्लस थ्री माइनस सेवन था तो प्लस सेवन जीरो तो जीरो तो यानी आपका ए वो किसके हो गया माइनस ए डैश के हो गया तो गिवन मैट्रिक ए वो किसके हो गया माइनस ए डैश के तो गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू मैट्रिक तो दीज आर दाइप सम एग्जाम्पल्स ऑफ द टाइप्स ऑफ मेट्रिक्स थैंक यू